No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running. Assalamualaikum, ये मेरा फोर्थ व्लॉग है और मैं आज ये पिछले दो हफ्ते बहुत ही बोरिंग गए, तो मैंने कहा इस हफ्ते कुछ ना कुछ कर लिया जाए। पिछले हफ्ते टॉप गियर 5 था, वो भी हो नहीं सका क्योंकि मेरा मंडे को पेपर था, तो उसकी तैयारी के चक्कर में मैं सैटरडे संडे दोनों दिन नहीं गया, टॉप गियर 5 भी निकल गया। उसके बाद फिर मेरे स्कूल वालों ने PEF म्यूज़ियम में फेस्टिवल करवाया, वो ट्यूसडे वेडनेसडे का था, वो भी निकल गया मेरा। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि ना एक काम करेंगे, सैटरडे को चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है सैटरडे को चलते हैं। तो अभी हम PEF म्यूज़ियम जा रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि पिछले हफ्ते मेरा उर्दू का पेपर आ गया था, उसी चक्कर में मैं टॉप गियर 5 जिसका मैं चैनल से इंतज़ार कर रहा था उसमें भी जा नहीं सका, वरना मेरा मूड था वहाँ पे जाऊँगा, शॉर्ट्स लूँगा, सिनेमैटिक शॉर्ट्स होंगे, अच्छी वीडियो बन जाएगी, अच्छा कॉन्टेंट आ जाएगा, लेकिन वो भी हो नहीं सका। तो फिर मैंने सोचा कि आज मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बाद मौका मिला, फिर PEF म्यूज़ियम आ गया, उसके बाद अभी मैंने शॉर्ट्स लिए, सिनेमैटिक शॉर्ट्स लिए, तस्वीरें खींची काफ़ी सारी। अभी हमें लग रहा है थोड़ा देख देख के बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा कुछ बातें भी कर ली जाएँ। तो अभी फिर अभी PSL आ रहा है, अब तो PSL गाना था इतना बेकार बनाया लोगों ने कि पता नहीं क्या सोच ही गाना बनाया था। और उसके बाद ये कि और पढ़ाई, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 5 अप्रैल को, और कुछ दिनों बाद आपका PSL स्टार्ट हो जाएगा, तो फुल तबाही तबाही होने वाली है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरा PEF म्यूज़ियम आने का मकसद ये था कि शायद ना एजुकेटर के स्टॉल्स लगे हुए होंगे, एक तो मेरा पुराना स्कूल था रेनेंडिस कैंपस,
और नया स्कूल जौहर कैंपस वाले दोनों के स्टॉल नहीं मिले, शायद हट गए। तो अभी मैंने कहा कि भाई जो चीज़ है वो उसी की वीडियो बना लीजिए, क्योंकि स्टॉल तो मिले नहीं, कोई मिला ही नहीं पुराना। तो बस, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों ने सपोर्ट करा कि फोर्थ व्लॉग बनाओ। आप लोगों के बहुत मैसेजेस आए, तो अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 60 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कराया, तो लोग ऐसे घूर घूर के जाके देख रहे थे कि अभी मैं बीच में रुक भी गया था कि रिकॉर्डिंग नहीं करता, लोगों को जाने तो उसके बाद कर लेते हैं। तो बिल्कुल अभी भी लोग आ रहे हैं, घूर घूर के जा रहे हैं कि क्या कर रहा है बंदा कैमरे के साथ। पहली दफ़ा ना PFU से बड़ा तफसील से आया हूँ, और एक एक मैंने मनाजिर और मतलब गैलरी है PFU म्यूज़ियम की, वो भी मतलब अच्छे तरीके से डिस्कवर कर ली है। और उसमें एक एक चीज़ मैंने पता करी कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या कहाँ पर होता है, तो आप वो भी देख लेंगे। अभी आप मेरा सिनेमेटिक शॉट्स हैं, तस्वीरें उसकी। और मज़े की बात ये है कि ना अभी मैं आया था, मैंने कहा बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, बैठ के बात कर लेता हूँ। तो लोग आए, लोग बोलने लगे कि भाई आंटी ने मुझे बोला आप तस्वीर खींच रहे हो, मैंने कहा नहीं आंटी। कुछ आंटी आके करीब आके मेरे खड़े हो गए, और कुछ लोग मेरे करीब आके बैठ गए और सुनने लगे मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं उठा, मैंने कैमरा बंद करा, वहाँ से भाग गया। अब मैंने यहाँ पे आके बैठा हूँ, यहाँ पे जब दो लड़के आके देख रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, तो अभी एफ म्यूज़ियम के निकलने के बाद फिर हमें भूख लग रही थी, तो हम गफ्फार रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने। वहाँ पे अम्मी के एडवाइस पे गए थे, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, खाना भी इतना अच्छा नहीं था। निहारी ऐसे लगा निहारी में पानी का शोर पानी डाल दिया हो, ऐसा शोरबा था उसका। उसके बाद खाना खाने के बाद हम घर आ गए, तो मैंने कहा यार एंडिंग की जो क्लिप बनानी थी वो तो मैंने बनाई नहीं है, और जब बैटरी देखे तो ऑलमोस्ट डेड थी, बंद होने वाला था, कभी बंद हो जाए। तो उसको चार्जिंग में लगाया, चार्ज करने के बाद अभी क्लिप बना रहा हूँ, ये भी मैं व्लॉग के एंड में अपलोड करूँगा, वो लगाऊँगा मतलब। और उसके बाद मुझे एक और बात करनी थी कि मुझे अपने एजुकेटर वाले स्कूल से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा इवेंट करा पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं कैसे करा लिया। मतलब उन्होंने VIP परफॉर्मेंस करी डांस की स्टेज पर, जो PF म्यूज़ियम में हुई, बड़ी अच्छी लगी, मज़ा आया देख कर। वो मिस कर दी थी, लेकिन अब क्या कर सकते, मिस हो गई तो हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।